सर मैं स्टार्ट करूंगा। आप पिछले जैसे तीन दो ओलंपिक साइकिल में दो मेडल आए हैं। मैंने आपका इंस्टाग्राम थोड़ा चेक कर रहा था, दोनों मेडल्स के बाद आपकी एक पोस्ट थी जो मतलब बहुत सिमिलर पोस्ट है। टोक्यो के बाद जो पोस्ट है वो है जैसे आपने अपना सर अपनी माँ की गोद में रखा हुआ है, और इस बार जो है उस फ्रेम में आपकी वाइफ भी है और आपकी बेटी भी है। ये इन तीनों का आपके इस ओलंपिक जर्नी में जो रोल रहा है उसके बारे में आप थोड़ा बात करेंगे। सर मेरा फैमिली का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है। मुझे यहाँ तक अगर मैं देखूँ, यहाँ मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ रहा है, स्पेशली मेरी मम्मी का और वाइफ का। 2012 से जब से वो मेरे साथ रिलेशन में है तब से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे हर टाइम, क्योंकि और मेरी बेटी डेफिनेटली कि लास्ट टाइम वो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो तब मेरी, बट अभी फाइनली वो है, वो काफी मेरे लिए लकी है। कई जहाँ पे भी वो मेरे साथ जाती है तो हमेशा वो अपना लक साथ में लेके जाती है। और मेरी मदर सर ऐसा था कि वो हमेशा से मेरे लिए एक तो स्ट्रॉन्ग पिलर बोन रही है मेरे लिए। मेरे फादर के जाने के बाद भी उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया, मॉरली और फाइनेंशियली हर टाइम मुझे वो सपोर्ट करते रहे हैं। मेरे भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया है और मैं हमेशा यही चाहता था कि हाँ कि मैं मेडल लाऊं और अपनी फैमिली के साथ मैं सेलिब्रेट करूं। मेरा पहला ड्रीम था जब टोक्यो में जीते थे कि मैं जो वो मेडल था मैं अपने फादर साहब को करना चाहता था, बट वो उस वक्त नहीं थे क्योंकि उनकी 2016 में वो एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, बट मेरे मदर जब भी आता हूँ तो पहली फोटो होती है कि इनके साथ ही मैं क्लिक जरूर करूँ। हाँ जी। और आप इस बार तो आपकी बेटी आपके साथ स्टेडियम में भी थी। लास्ट टाइम जो है टोक्यो में माहौल बहुत अलग था, कोई स्पेक्टेटर्स थे नहीं। इस बार तो बहुत लोग देखने वाले भी थे, तो उस चीज के बार वो चीज देख के आपको इस बार थोड़ा और मजा आया होगा। बहुत सर बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर, क्योंकि वो हर मैच में वहां पे वो चेयर करती थी और कई मेरे पास काफी वीडियो भी है। वो मुझे पूरा बाहर से कॉल कर रही है और गुस्सा भी हो गई थी वो, क्योंकि वो मुझे बुला रही है और मैंने, क्योंकि मैच में था मुझे नहीं पता था वो, और बाहर से वो चला रही है और मैंने सुना नहीं, और वो पूरा गुस्से थी। वो बोली है मैच के बाद, पापा आई एम एंग्री विद यू, कह रही है आपने मेरी बात नहीं सुनी। तो वो अच्छा लगता है सर, एक कॉन्फिडेंस मिलता है और एक एनर्जी मिलती है कि हाँ कि मेरी बेटी देख रही है खेल बाहर से, तो मुझे और अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे कोई सिली मिस्टेक नहीं करनी, गिरना नहीं है बिना बावजूद कि हाँ कि वो बाद में मुझे बोले पापा आप गिरते बहुत हो। जी इस स्क्वाड में बहुत एक चीज तो ये थी कि 11 लोग जो थे ऑलरेडी ओलंपिक्स में खेल चुके थे, और पांच पांच डेब्यूटेंट थे, तो एक्सपीरियंस और यूथ का बहुत अच्छा मिक्सचर था। एंड इस स्क्वाड में जो दो बहुत सीनियर मोस्ट आप और श्रीजेश भाई, बट श्रीजेश भाई ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि वो रिटायर कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के बाद। तो सर मुझे मत पूछ, हाँ जी मुझे मत रिटायरमेंट के बारे में भी पूछना। नहीं, चलो मैं पूछने वाला तो बड़ा आपने काफी क्लियर कर दिया, थैंक मतलब एले तक आप हमारे साथ है, चलो बहुत बढ़िया। यू। तो मैंने ये पूछना था कि श्रीजेश भाई ने जैसे अनाउंस कर दिया था कि वो रिटायर हो रहे हैं, तो फर्स्ट तो जब आप पहली आपको आपको पहली बार उन्होंने कब बताया कि ये मेरे दिमाग में चीज है कि मैं रिटायर होने वाला सर हूँ। उसके पहले ओलंपिक से पहले वो बात हुई थी तभी उन्होंने शेयर किया था हमारे साथ कि अच्छा हाँ वो उनका लास्ट, ये लास्ट ओलंपिक रहेगा। तो वो एक सर हमारे लिए काफी इमोशनल बॉन्डिंग की मेरी स्पेशल, अगर मैं बात करूँ क्योंकि मैं सर उसके साथ 2011 से उसके साथ, वो हम लोगों ने काफी अप्स एंड डाउन शेयर किए हैं, हर मोमेंट, जो विनिंग मोमेंट भी हम लोगों ने शेयर किया, लूजिंग मोमेंट भी हम लोगों ने एक साथ शेयर किया है। तो काफी अच्छा जर्नी, काफी अच्छी जर्नी रही है उसकी, काफी मेडल जीते हैं। तो एज ए फ्रेंड एज ए ब्रदर काफी दुख भी लगा जब उसने वो रिटायरमेंट, बट रियलिटी है ये, एक ना एक दिन आपको जाना ही होता है। और काफी खुश है हम लोग कि हम लोगों ने एटलीस्ट ब्रॉन्ज मेडल जरूर जीता उसकी, है ना, रिटायरमेंट के लिए। और काफी खुश थे क्योंकि जो टीम का परफॉर्मेंस रहा है और उसका परफॉर्मेंस रहा है ओलंपिक्स में वो भी काफी अच्छा रहा है। जी। और ऐसा नहीं है कि श्रीजेश भाई बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे, उन्होंने बोला है कि वो जूनियर टीम के साथ इन्वॉल्व रहने वाले हैं। तो ये इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि जो प्लेयर्स जो हैं वो ऐसे रिटायरमेंट के बाद एकदम से मतलब लाइमलाइट से गायब नहीं हो रहे हैं, बट
जो है नेशनल सेटअप में वापस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे रुपिंदर भाई हैं, वो भी पेनल्टी कॉर्नर के कैंप्स कंडक्ट करते रहते, सरदार जी सब जो है, तो उस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? वो चीज काफी अच्छी है, क्योंकि आप जब इतना इतनी हॉकी खेलने के बाद आप जो अपना एक्सपीरियंस है वो यंगस्टर्स के साथ या जूनियर प्लेयर्स के साथ शेयर करते हैं, तो वो एक अच्छी बात है, वो सीखते हैं सर। क्योंकि शेरी, बॉबी और सरदार भाई तीनों ही सर वर्ल्ड क्लास हॉकी उन्होंने खेली हुई है, और काफी आई थिंक जो आजकल की मॉडर्न हॉकी चल रही है उसका सभी उनको नॉलेज है कि आजकल क्या हॉकी में चल रहा है। तो सर वो अगर आप यंगस्टर्स को बताते हैं ना, तो सर वो एक्चुअली क्या है, यंगस्टर्स ऑलरेडी फिर प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ कि हमें क्या कैसे कैसे कंपटीशन आगे मिलेंगे और कैसे हमें गेम प्लानिंग, जो इनको इतना नॉलेज है कि कौन से गेम प्लान है, कैसे गेम रीड करनी है, वो एक्सपीरियंस जब आप शेयर करते हैं ना सर जूनियर प्लेयर के साथ या किसी भी प्लेयर के साथ, तो उनको मेंटली वो और फिजिकली काफी स्ट्रांग होते हैं सर मेरे से। अब श्रीजेश भाई के बाद देखो, एक तो नाम ऑलमोस्ट सबको पता ही है, कृष्ण पाठक जो है वो बहुत टाइम से श्रीजेश जी से सीखते आ रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली ओलंपिक्स में स्क्वाड जो है वो 16 का ही होता है, तो आप दो गोलकीपर नहीं ले जा पाते। अब श्रीजेश भाई क्योंकि रिटायर हो रहे हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि कृष्ण भाई को बहुत चांसेस मिलने वाले हैं। बट इन जनरल आपका क्या इंप्रेशन है, श्रीजेश जो कृष्ण भाई है और सूरज है और आप जो आने वाले इंडियन गोलकीपर्स हैं, अगर आप उनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि उनका खेलने का तरीका कैसा है? सर दोनों ही, अगर सूरज और पाठक काफी टाइम से खेलते रहे, सूरज ने आई थिंक मुझे याद है 2017 में एशिया वर्ल्ड कप में हमारे साथ, एशिया कप में सॉरी एशिया कप में रहा है वो, तो काफी टाइम से उनको काफी एक्सपीरियंस हो चुका है कि हाँ कि आजकल वर्ल्ड हॉकी में कैसे परफॉर्म करना है, और उनको काफी एक्सपीरियंस और काफी अच्छा करते आ भी रहे हैं। हाँ डेफिनेटली श्री बहुत अच्छा है उसके, बट हमारे पास ये है कि दोनों गोलकीपर पीछे उनके काफी अच्छे हैं, क्योंकि श्री से उन्होंने काफी कुछ सीखा हुआ है, क्योंकि इतने टाइम से वो श्री जी के साथ खेलते आ रहे हैं, तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको क्या कैसे परफॉर्म करना है, कैसे आपको कूल माइंड रहना है और ग्राउंड के ऊपर कैसे दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। तो जो ट्रेनिंग में भी है वो काफी, दोनों एग्रेसिव गोलकीपर्स हैं, यंग हैं और काफी एनर्जी है दोनों में, तो मुझे लगता है कि वो जल्दी ही चीज को कवर कर लेंगे। इनके अलावा भी कोई ऐसा है जूनियर स्पॉट से जो आपको लगता है गोलकीपर आने वाले समय में इंडिया का नेशनल टीम गोलकीपर हो सकता है? यस सर काफी है जूनियर प्लेयर्स, और अभी भी एक लड़का है रोहित, वो भी रिसेंटली जूनियर वर्ल्ड कप भी खेला है, तो अब क्या नाम लिया आपने सर? रोहित, रोहित। हाँ तो वो भी अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप, जूनियर वर्ल्ड कप भी खेला है, तो आई थिंक वो काफी अच्छा कर रहे हैं। तो अभी आज ही जैसे हम लोगों ने कैंप ज्वाइन किया, तो आज ही मैं उनसे पहली बार मिला हूँ, तो काफी यंग है तो एक्सपीरियंस है, अभी हम खेल धीरे धीरे खेलेंगे तो उनको भी एक जल्दी एक्सपीरियंस हो जाएगा। जी, और श्रीजेश भाई ने इतना स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर दिया है, तो अब जो है वो जब जब भी कोई बंदा जैसे उनको रिप्लेस करेगा, जैसे या तो कृष्ण है या कोई भी है, तो उनपे थोड़ा सा वो तो रहेगा ना कि कंपैरिजन है, तो उस चीज को भी टीम थोड़ा लेके चलेगी कि इनको कंफर्टेबल करना है। नहीं एक्चुअली क्या कि जैसे मैं पहले भी बता रहा हूँ ना, दोनों गोलकीपर ऑलरेडी जैसे कि ओलंपिक्स के अलावा बाकी सभी टूर्नामेंट्स में ये खेलते जा रहे हैं, है ना। अगर अगर बात करें ओलंपिक्स में ही अगर हमें एक गोलकीपर होता है, बाकी कोई भी अगर मेजर इवेंट देख लीजिए, वर्ल्ड कप देख लीजिए, या फिर आप कोई भी एशियन गेम्स कोई भी बड़े इवेंट देख लीजिए, प्रो लीग देख लीजिए, उसमें सभी गोलकीपर्स को इक्वली चांस मिलता है, क्योंकि ये क्वार्टर क्वार्टर दोनों खेलते थे, जैसे एक क्वार्टर श्री खेलता था, एक कृष्णा खेलता था, सूर्य खेलते हैं, तो इनको ऑलरेडी काफी जो वर्ल्ड जो करंट हॉकी है ना उसके बारे में काफी एक्सपीरियंस है सर। सर मेरे को दो लास्ट क्वेश्चन पूछने थे आपसे। एक तो जैसे हम इंडियन हॉकी का एक ट्रेडमार्क स्टाइल जो बहुत सालों से है, बहुत सदियों से है, कि फ्लेयर है, अग्रेशन है हॉकी में, वो देख के पता चल जाता है कि इंडियन हॉकी टीम खेल रही है। बट क्रेग फुलटन के आने के बाद जो है वो थोड़ा फिलोसफी में चेंज आया है, डिफेंस पे थोड़ा काम हुआ है बहुत। और शुरू शुरू में लोग ये भी बोलते थे कि क्या इतना एक गोल के बाद ऐसे बैठ क्यों जाते हैं, आगे अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं। बट आपको लगता है कि पेरिस में जैसा कैंपेन गया, स्पेशली जैसा ब्रिटेन के अगेंस्ट मैच गया, वो जो फिलॉसफी है वो फाइनली उसको प्रूफ जस्टिफाई किया है? बिल्कुल सर, सर अगर आपका घर ही सुरक्षित नहीं है तो आप दूसरे घर में कैसे अटैक करेंगे ना, तो वो एक बहुत अच्छी फिलॉसफी है सर। पहले होता था हम लोग अटैकिंग ज्यादा करते थे, बट हम लोग पीछे भी गोल खा लेते थे, क्योंकि सभी लोग
अटैक करने में जाते तो हम लोग डिफेंस अच्छे से नहीं कर रहे थे। तो अभी क्या कि हम लोग डिफेंस जो क्रिकेट का जो लॉजिक है वो उनका यही है कि डिफेंड टू विन। अगर आप डिफेंस स्ट्रॉन्ग रखेंगे ना तो सर हम लोग इंडियन प्लेयर ऐसे हैं कि सर वो कभी भी किसी मिनट में भी गोल कर सकते हैं। हम लोगों ने ओलंपिक्स में भी ऐसा हुआ कि हम लोग 1-0 डाउन भी हम लोगों ने अर्जेंटीना के खिलाफ लास्ट मिनट में भी गोल किया है। तो ये कि हम लोग आगे कभी भी गोल कर सकते हैं, बट हमें पहले अपना घर सुरक्षित रखना है और जी सेलेक्ट करके अटैक जाना है आगे कि हमारे पास बॉल पोजेशन रखेंगे तो दूसरी टीम को जितना भगाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। जी लास्ट क्वेश्चन। इस बार का जो हॉकी कंपटीशन था बहुत ही क्लोज था। लास्ट ईयर के दो लास्ट टाइम के जो दोनों फाइनलिस्ट थे वो इस बार मतलब पोडियम पे भी नहीं पहुंच पाए, सिर्फ इंडियन टीम थी जो अपना स्लॉट मेंटेन कर पाई। बट आपका जो सेमीफाइनल मैच था जर्मनी के अगेंस्ट वो भी बहुत क्लोज मैच था एंड कहीं भी जा सकता था। शमशेर का जो लास्ट यस मिनट शॉट था वो बहुत बहुत क्लोजली मिस हुआ। यस ऐसे जब आप ऐसा जो लॉस जब मिलता है, आप तो जैसे एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुके टोक्यो में भी सेमीफाइनल से उभर के ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए खेलना, बट दिस टाइम कंपटीशन इतना क्लोज था एंड लेजिट एवरीवन वाज अ कंटेंडर फॉर गोल्ड मेडल, तो उस लॉस से उठना कितना मुश्किल था, वो रात कितनी मुश्किल थी जर्मनी से हारने के बाद, क्या बातचीत, क्या बोला क्रेग ने टीम को कि इससे कैसे उठना है? सर सभी डिसअपॉइंटेड थे हम लोग जब सेमीफाइनल लूज किया, बट नेक्स्ट डे हमारा एक दिन का ब्रेक था, उसके बाद हमारा थर्ड फोर्थ का मैच था, तो हम लोग उस दिन थोड़ा अपसेट थे, बट नेक्स्ट डे सर सभी को पता था कि हाँ कि हमें बाउंस बैक करना होगा। तो हम लोग प्लेयर्स ने मीटिंग्स की, कोचेस ने बात की कि जो नेक्स्ट 60 मिनट्स है वो हमारे लिए काफी क्रूशियल है, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट टोक्यो में भी ऐसा ही परफॉर्म किया था कि मतलब कि माइंड सेट अपने आप को किया था, क्योंकि सर ऐसा होता है कि जो ब्रॉन्ज मेडल मैच होता है ना तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, 50-50 होता है, उसपे आपको पता नहीं आप मैटर जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। फर्स्ट जब फाइनल चले तो आपको पता है कि गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो आपका पक्का है ही है। तो ये इसमें सर था कि माइंड सेट बहुत जरूरी था कि हमें पता था कि यार हम लोग यहाँ पे इतना मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, हमें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना। और था कि हम लोग इतना स्ट्रगल करते हैं क्योंकि सर अगर वो 60 मिनट इतने इंपॉर्टेंट थे, हम लोगों ने बोला कि जान तो हम लोग इस चीज को रिग्रेट करेंगे अगर हम लोग अपना अच्छा नहीं खेलेंगे, सारी उम्र यही बोलते रहेंगे यार काश में हम लोग उस ब्रॉन्ज मेडल में हम लोग अच्छा कर देते, जीत जाते, मेडल आ जाता, ये आ जाता, हम लोग बातें करते हैं। नहीं तो हम लोग उस चीज को क्रिएट कर सकते कि हाँ कि हम लोगों ने मेडल जीता है। तो वो लास्ट 60 मिनट थे कि सभी ने माइंड सेट था कि हाँ कि हमें 100% देना है, अगर हम लोग 100% देंगे जो रिजल्ट है वो हमारे फेवर में होगा। और वही सर पूरी टीम ने किया सर, जो माइंड सेट था स्ट्रॉन्ग था कि हाँ कि हमें लास्ट मिनट तक अच्छा डिफेंड करना है और जीतना है वो। और आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने था और सभी टीम ने पूरी टीम ने काफी अच्छा उस दिन प्रदर्शन दिखाया था। सर, फ्रॉम द लो ऑफ फिनिशिंग लास्ट इन लाइक नॉट क्वालिफाइंग फॉर बीजिंग टू देन फिनिशिंग लास्ट इन लंदन, उसके बाद से जो आपने चेंज देखा है इंडियन हॉकी में अगेन, बिकॉज इंडियन हॉकी का इतना ग्लोरियस पास्ट रहा है, अभी जो आप लेगेसी देख रहे हैं इंडियन हॉकी की उस और जो क्राउड रिस्पॉन्स देख रहे हैं उसको देख के आपको कैसा फील हो रहा है? आपको लग रहा है कि इंडिया इंडियन हॉकी इज बैक टू वेयर इट शुड बी, ऐसा आपको क्राउड रिस्पॉन्स या कुछ ऐसा कोई फैन इंटरेक्शन हुआ हो आपका पेरिस के मेडल के बाद? बिल्कुल सर, सर ये आई थिंक टोक्यो के बाद ही शुरू हो चुका था, क्योंकि सर हॉकी के साथ सर सभी का दिल से एक तो लगाव होता है सर। जब भी ओलंपिक्स की बात होती है ना, हम पीएम सर ने भी बोला था कि जब भी हम लोग ओलंपिक्स की बात करते हैं तो हम लोग पहला हॉकी में बात करते हैं, हॉकी क्या कर रही है हमारी, क्योंकि हमारी रिच हिस्ट्री रही है ओलंपिक्स में, इतने हम लोगों ने मेडल जीते हैं। और सर ये दोनों मेडल्स के बाद जो इंडिया की पूरे इंडिया के बाद बाहर से जितना प्यार मिला ना सर, वो एक बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हो रहा है कि हाँ कि हॉकी बहुत चेंज हो चुकी है, बहुत लोग वॉच कर रहे हैं अभी, बहुत लोगों की उम्मीदें हैं अभी और लोग अच्छा कर भी रहे हैं, बट इसी को कंटिन्यू करना है राइट। अगर क्योंकि नई जनरेशन हमें देख रही है वो ऊपर आएगी है ना, तो वो भी चाहेंगे कि हाँ कि वो बड़े बड़े होके हॉकी में मेडल जीते हैं। क्योंकि हम लोग अभी उड़ीसा में गए थे, वहां पे भी एक लड़का था, उसने सर अपने दिल को लगा सर आपने ब्रॉन्ज जीता मैं गोल्ड के लिए जाऊंगा। तो सर वो देख के एक जज्बा देख के ना मतलब खुशी मिलती है कि हाँ कि यार हमें देख के लड़कों लड़के इतना भावुक हो रहे हैं, जहाँ इतना उनको मोटिवेशन मिल रही है सर, वो एक अच्छा है। और देखा जाए तो हॉकी काफी वापिस आ रही है सर,
इसी चीज बट हमें भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा, पूरे जितने भी प्लेयर्स हैं उनका भी एक बनता है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा रिच हिस्ट्री जो वापस आए, पर हमें भी परफॉर्म वैसे ही करना होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मनप्रीत भाई, एंड ऑल द बेस्ट आपको अपने आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए, एंड होपफुली आपको एलए में भी हम देखेंगे। थैंक यू भाई, थैंक थैंक यू सो मच भाई। यू भाई।